ये बाबा कौन है, कब से ये लोग आए हैं यहाँ? कई पीढ़ी से बाप दादा सब कुछ दे और दैया माई पंडित आई हाँ। देव बाबा, देव बाबा डो कैसे मेल हो गया दोनों? जैसे देव बाबा के घर देव बाबा पंडित आयन रानी है, इनके घर काम कर देव बाबा हाँ। तो जैसे कि मतलब मजूरी कर हो गलती मांगे लगना देव बाबा हाँ। तो इनका बाबू जी के ना सब तो कहें कि हमारे लड़की कि जैसे जाके तुम्हारे घर काम करेंगे तो कहने लोग हम अपन नीचे जाके काहे ढुआ हम लोग ऐसा करें कि घर से निकल के कहीं अपना स्थान मतलब तीनों बहन लोग अपना अपना तीनों बहन के क्या एगो दैया माई एगो दैया माई है एगो पूर्वी माई है एगो सोनाडी में उनका नाम हमना है। अच्छा सोनाडी कमाई और दैया प्राण कमाई हाँ, एक पूर्वी माई है आजमगढ़ हाँ। पूर्वी दैया माई के का चढ़ेला दैया माई के पूरी हलवा और देव बाबा हाँ। देव बाबा को देव बाबा को खस्सी बड़ा सब चढ़ाते हैं और भाई मुर्गा उर्गा सब जैसे जी कर पूजा होता है जीव लेते हैं देव बाबा हाँ। आई पक्का जंगन भजपुरी में कह जाए पक्की चीज़। पक्का पूजा ही सब लेते हाँ पक्का पूजा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़ जी, मैं हूं राम प्रसाद भारती। इस समय पहुंचे हैं सीरियापुर के देही माई के स्थान खोरहट में। तो खोरहट में देखें ये मेन गेट है, कैमरामैन भैया एक बार इधर फोकस कर दीजिए। कैमरा स्टार्ट और मेरी चर्चाएं इस वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को देखने के लिए तैयार है। तो ये है प्रथम गेट सीरियापुर देवी माई के खोरहट स्थान पे इस पहुंचे हैं। तो ये प्रथम गेट है, कुछ माताएं हैं कुछ बहनें हैं, लोग श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे। देव बाबा का स्थान है और सीरियापुर देवी माई का स्थान है। सीरियापुर देवी माई को क्या चढ़ता है और देव बाबा को क्या चढ़ता है, तो आइए आप उनको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ के श्रद्धालु यहाँ के पुजारी बाबा फुल नगारे के साथ श्रद्धालु अपने मन्नत को मान करके माता जी के दरबार में आते हैं और वांछित फल भी पा जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सूत्रों के माध्यम से पता चला है। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, बाबा लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे, श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं। देखिए मंदिर के अंदर आप लोग मेन गेट से प्रवेश करें, उत्तर के घर से दक्षिण के घर से विकास करेंगे। देखिए श्रद्धालु और बाबा आप लोगों को बता, बाबा जी आपका नाम क्या होगा? नागेंद्र पांडे। नागेंद्र पांडे कब से यहाँ है इस मंदिर पे? 18 से ये मंदिर यूं कह दिया जाए कि यहाँ सीरियापुर का देवी माई है। ये कब से यहाँ विराजमान है, कब उजागर हुआ है, कब से श्रद्धालु जान गए हैं यहाँ दूरों दूरों से लोग आते हैं, तो इसके बारे में पूरा बताइए। प्राचीन काल से विराजमान यहाँ उजागर है और यह कई सौ वर्षों से यहाँ जो है इतनी भीड़ लगती है। जब हम लोग छोटे थे तभी भी इतना ही भीड़ लगती थी जो आज लग रहा है और आज भी है मनोकामना। माता जी को चढ़ावा क्या लगता है, क्या चढ़ावा है? ना हलवा पूरी जो है इनका मेन प्रसाद है, लोग भजपुरी में कहते हैं पक्का हाँ। पक्का जो चढ़ावा जाता है। इसके बगल में देव जी का स्थान है, वहाँ पे क्या चढ़ता है? देव जी के स्थान पे वहाँ पर भी जो है बकरा सुरा भेड़ जो भी चढ़ता है सब। माता जी देव जी दोनों एक साथ आए हैं या अलग अलग? नहीं नहीं, इनकी कहानी कोई जानता नहीं है, अलग अलग है, एक साथ नहीं है। कोई जानता नहीं, कोई तो जानता होगा, कोई तो जानता होगा ना, कोई जानता ही नहीं। ये दैया माई का जो है स्थान है कब से जो है प्रसिद्ध है कि हम लोग छोटे थे, हम लोग के बाबा भी आते थे, पूर्वज भी आते थे, तभी भी इतना ही भीड़। पूर्वज भी बताए होंगे बाबा को, बाबा के बताए होंगे पिताजी को, पिताजी बताए होंगे आपको कुछ तो कुछ। बस यही बताए कि दैया माई है, मनोकामना पूर्ण माता है, यहाँ जो लोग भी आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, किसी की झोली खाली नहीं जाती, जो लोग मांगते हैं उनको मिलता मिल जाता है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे बाबा एक मेरा प्रश्न है, आप मांगे हैं तो मिला है कि नहीं? क्यों नहीं मिला? मिला है, आज इनकी कृपा से ना हम लोग यहाँ चल रहे हैं। ये भव्य दिखाई दे रहा है इस पूर्वांचल में, मुझे लग रहा है कि ऐसा मंदिर कम है दिखाई। जनता का सहयोग है और माता जी कृपा है, ये जो भी दिखाई दे रहा है जनता के सहयोग से। अच्छा आप ही अभी बोल रहे थे इस लाउडर में कि यहाँ छिनैती भी हो जाती है, चोरियाँ भी हो जाती है, इसके इसका दोषी कौन है और कैसे हो जाता है? कैमरा है यहाँ, सीसी कैमरा है, प्रशासन मुस्तैद रहती है, प्रशासन एकदम चुस्त रहती है, फिर भी हो जाता है भीड़ में जो है। अभी मान लीजिए प्रशासन जो है नहीं आया हुआ, भीड़ काफ़ी लगती है, कभी कभार काफ़ी भीड़ लगती है, महिलाओं का पूजा है,
आए हुए चैन काटने वाली, सिगड़ी काटने वाली जो भी पकड़ी गई है, अब तक महिलाएं पकड़ी गई हैं, उनके भी थाली में जो है हाथ में नारियल चुन्नी का प्रसाद होता है, थाली में हलवा पूरी का प्रसाद होता है। यह लाइन में पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग जो है चिल्लाते रहते हैं, हर दो मिनट में जो है आह्वान करते हैं। आप सतर्क करते हैं, पब्लिक को सतर्क करते हैं, श्रद्धालुओं को सतर्क करते हैं। अब कोई सतर्क नहीं हो पाए तो वही जो है मनोकामना पूर्ण माता है, सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है। जब बाबा जी एक और बात बता दीजिए, जो श्रद्धालु हैं और जो छीनने वाले हैं सभी एक ही कतार में लगते हैं, तो माता जी का निगाह दोनों पर रहता होगा ना? नहीं, हमारे पास वारंटियर हैं, दोनों तरफ आंटी खड़ा रहते हैं, वही ये कतार ही हमारी है। अब इसमें मान लीजिए अब पीछे महिला हैं जा रही हैं, किसको हम ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि ये छीनती करने वाली है? चलिए बाबा जी बता रहे हैं यही कतार है, आज तो कम है कतार, लेकिन श्रद्धालुओं का कतार यहाँ टूटता नहीं है। यहाँ से अब पहुंच गए हैं माता जी के दरबार में। माता जी के श्रद्धालु कैसे हैं यहाँ, श्रद्धा से पूरा है। देखिए इस वीडियो स्क्रीन में सभी मेरा कैमरा कैद करेगा और आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। निरंतर मेरा कैमरा चलता रहता है, ऐसे ऐसे मंदिर में जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ जब पूरे प्रदेश नहीं देश के लोग यहाँ भक्ति और माता के दर्शन करने आते हैं, तो आप लोग वीडियो स्क्रीन पर लगे रहेंगे और बारी बारी से माता जी का दर्शन कराते रहेंगे। ये देखिए श्रद्धालु अपने श्रद्धा को लेकर कैसे माता जी के पास पहुँचे हैं। ये पूरे प्रदेश में एक पूर्वांचल में दैया माई का स्थान प्रचलित, विख्यात और प्रख्यात दोनों है। तो आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख करके समझ जाएंगे माता जी के दरबार में कैसे लोग आते हैं। यहाँ माता जी का भव्य, धीरे 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 माता जी का मंदिर भव्य बनना शुरू हो गया। चलिए अब यहाँ के महंत जी से बात कराएंगे। पहले यहाँ कुछ भक्त हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? बलिया से आए हैं, बलिया से। अच्छा, बलिया से यहाँ तक आए हैं, वहाँ तो हजारों मंदिर आप लोगों को रास्ते में मिले होगा, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? देखिए युवा लोग हैं, भैया कैसे मुस्कुरा रहे हैं। माता जी के दरबार में जो भी आता है तो मुस्कुराते ही जाता है। तो भैया आप लोग मुस्कुराहट का राज बता दीजिए थोड़ा सा। दर्शन करने आए तो मुस्कुराएंगे बाबा। देखिए बाबा विस्तार से बताएंगे इस मंदिर और इस माता जी के बारे में। बाबा यहाँ लोग क्यों आते हैं और कहाँ आते हैं? जो मांगते हो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता जी देवन सेवा। हाँ बाबा मांगे हैं तो मिला है कि नहीं? आपको मिला है। हाँ सबको मिला, तभी तो हमें सुरक्षित है ना। नहीं तो हमें ज्यादा कहते इसलिए माँ जो है ऐसी है, शक्ति है इनकी, आदि शक्ति है। जैसे कुल की लोग पूजा करते हैं उसी तरकारी में जैसे पूजा उसी तरह ये पूजा कराते हैं। शादी विवाह होने के बाद इनका लोग पूजा पाठ करते हैं, आ करते हैं। नाम ही अंकर देखिए माता देने वाली ही माता है, सभी मनोकामना। माता जी का सीधा दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु माता के दरबार में अपना वांछित फल पाने के लिए तैयार। अगरबत्ती, नारियल, ये सब बाहर है, नारियल नवरात्र में नहीं।